नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के पहले पार्ट स्वर वर्ण स्वर संधि को पढ़ा था। स्वर संधि में हमने स्वर संधि के भेदों को पढ़ा था और उसके अतिरिक्त जो संधि थे हमारे, यानी कि पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और भी संधि हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधि के दूसरे पार्ट व्यंजन वर्ण को, व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि यानी जिसमें व्यंजन वर्ण आए। स्वर संधि हम लोगों ने देखा था कि स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आता था तो स्वर संधि होता था, लेकिन यदि स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए या व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए तो उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। अब प्रश्न उठता है कि व्यंजन संधि होता क्या है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो किसमें विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन वर्ण में। स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से यदि व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हो तो उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है म और यहाँ पर है य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर म है और यहाँ पर य है, तो इसका मिलकर बनता है संयोग, संयोग। तो म का यहाँ पर अनुस्वार हो गया, म का जब अनुस्वार हो गया, अर्थात कहने का मतलब है कि म में विकार उत्पन्न हुआ, म में विकार उत्पन्न हुआ यानी कि व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ, और व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ इसका मतलब है यह कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। जब भी व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हो, वो चाहे स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से हो, चाहे व्यंजन वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से हो, तो उसको हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। यहाँ पर म और य मिला तो म का अनुस्वार हो गया, यानी म का म में विकार उत्पन्न हुआ, इसका मतलब है कि यह व्यंजन संधि है। उसी प्रकार यहाँ पर भी म हुआ और इसके बाद क्री धातु से बना शब्द कार आया, क्री धातु से बना शब्द कार आया, तो यहाँ पर म का अनुस्वार हो जाता है यानी सं, और उसके पहले स्व का आगम हो जाता है यानी संस्कार, मिलकर बना संस्कार है। यहाँ पर भी म में क्या हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है और स का आगम हुआ है, तो यह भी कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, यानी कि संयोग संस्कार ये सब व्यंजन संधि का लाएंगे। उसी तरह यहाँ पर है स और यहाँ पर है तो हम लोग आगे जाके एक नियम पढ़ेंगे, उस नियम के अधीन यदि मूर्धन्य स के बाद अगर तवर का कोई वर्ण आता है तो वह टवर्ग का हो जाता है, यानी कि उत्कृष, कृष का कृष और ये त है तो ये हो जाएगा ट यानी उत्कृष्ट। तो यहाँ पर भी त का त में विकार उत्पन्न हुआ है, त में विकार उत्पन्न हुआ यानी व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ, जब व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ है इसका मतलब है वह व्यंजन संधि है। अब देखते हैं आगे का वाक जुड़ हरी, तो इसका मिलकर बन जाता है वाक धारी। इसमें क में भी विकार उत्पन्न हुआ और ह में भी विकार उत्पन्न हुआ और मिलकर बन गया ग और ध। इसमें इसको उसी तरह देखते हैं तो उच्च, इसका बन जाएगा उच्छृंखल, उच्छृंखला। तो उत जोड़ श्रृंखला मिलकर बनना उच्छृंखला, यानी त का च में, त में विकार उत्पन्न हुआ तो च बना और श्री में विकार उत्पन्न हुआ तो श्री बन गया। तो यह व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ, यहाँ पर क था और यहाँ पर ह था, यहाँ पर त मिला, यहाँ पर स मिला। तो जब इसमें हम लोग पाते क्या है कि व्यंजन वर्ण में जब विकार उत्पन्न हो, वो चाहे स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण के मिलने से हो, या व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मिलने से हो, तो जब व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होगा तो व्यंजन संधि होगा। पिछले स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर संधि में विकार उत्पन्न हुआ था तब वह स्वर संधि हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पर व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ तो व्यंजन संधि है, जब विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा तो विसर्ग संधि होगा।
तो इस प्रकार हम लोगों ने व्यंजन वर्ण को देखा। व्यंजन वर्ण में जब भी विकार उत्पन्न हो तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो यहाँ पर सम, संयोग, संस्कार, उत्कृष्ट, वाग्धारी, उच्छृंखला, ये सभी व्यंजन संधि होंगे। अब हम लोग व्यंजन संधि के कुछ नियमों को पढ़ेंगे जिनसे हम लोग संधि को संधि कर सके या उसको विच्छेद कर सके। आपके बोर्ड एग्जाम में भी वही सब पूछे जाते हैं कि जैसे सम जोड़ योग तो क्या बनेगा, संयोग, सम जोड़ योग में किन किन वर्णों की संधि हुई, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को नियमों को पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए इसको नियमों को पढ़ते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियमों को। व्यंजन संधि के नियम, जिस प्रकार किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संधि को बनाने के लिए, संधि को करने के लिए हमें भी कुछ नियमों की आवश्यकता है, जिन नियमों को हम कुछ सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे व्यंजन वर्ण का संधि, संधि का सूत्र है, एक है अष्टो अष्टुना अष्टु, अष्टो अष्टुना अष्टु। अब हम लोग इसको समझते हैं, अष्टो सटो अष्टुना अष्टु, यानी कि मूर्धन्य स का ट हो जाता है। मूर्धन्य स का क्या हो जाता है, ट, मूर्धन्य स का ट हो जाएगा। तो अब मूर्धन्य स का ट कब होगा, तो जब त या थ आता है तब, जब मूर्धन्य स के बाद यदि त या थ आए तो उसका हो जाएगा ट या ठ। यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ है तो उसको उसका हो जाएगा ट या ठ। हमारा अष्टो अष्टु न अष्टु ये सूत्र यही कहता है कि यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो उसका ट या ठ हो जाता है। हमारा सूत्र क्या कहता है, यदि मूर्धन्य स के बाद यदि त या थ आता है तो उसका ट या ठ हो जाता है। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे प्रीस जोड़ थ, यहाँ पर देखिएगा प्रीस जोड़ थ, तो प्री का प्री और यहाँ पर स है और यहाँ पर क्या है जी थ, यहाँ पर स है और यहाँ पर क्या है थ, यहाँ पर स है और यहाँ पर है थ, यानी स और थ के मिलने से बनता है ठ। उसी प्रकार स और त के मिलने से बनेगा ट, स और थ के मिलने से क्या बनेगा ठ। तो प्री आधा स थ के मिल से बन जाएगा ठ, यानी पृष्ठ, स और थ मिल के बना ठ और ये स का स। अगर आपसे पूछा जाए कि पृष्ठ में किन किन वर्णों की संधि हुई है तो क्या लिखेंगे, मूर्धन्य स और थ की, पृष्ठ जोड़ थ मिलकर क्या बनेगा पृष्ठ, पृष्ठ का विच्छेद क्या होगा यानी पृष्ठ जोड़ थ। तो ये है व्यंजन वर्ण, यानी स के बाद यदि त या थ आए तो वह हमारा ट या ठ में बदल जाता है इस सूत्र के अनुसार। उसी तरह कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उत्कृष्ट जोड़ थ, हम लोगों ने पिछले उदाहरण में भी देखा था, तो उत्कृष्ट में यह है स और यह है थ, तो यह बन जाएगा क्या उत्कृष्ट आ स आ थ का हो जाएगा ट, सॉरी ठ, तो ये हो जाएगा उत्कृष्ट, सॉरी यहाँ पर त होगा, यह हो जाएगा ट उत्कृष्ट। उसी प्रकार कुछ और अन्य उदाहरण भी लेते हैं, जैसे सस जोड़ थ, तो ए मिलकर बन जाता है हमारा षष्ठ, सस जोड़ थ, तो यहाँ पर मिलकर बन गया षष्ठ, यानी यहाँ पर बात था स और यहाँ पर था थ, तो स और थ मिलकर बन जाता है स, तो होता ही है और साथ साथ ठ हो जाता है। तो इस यह सूत्र है हमारा अष्टो अष्टुना अष्टु। तो अष्टो अष्टुना अष्टु में क्या होता है कि मूर्धन्य स के बाद त या थ आता है और त या थ का ट या ठ हो जाता है और मूर्धन्य स का मूर्धन्य स हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि प्रीस जोड़ थ में था तो यहाँ पर स था यहाँ पर थ था, तो स और थ मिलकर बन जाता है ठ, तो स का स लिख दिया और
थ का हो जाता है ठ, तो यह हो गया हमारा पृष्ठ। उसी तरह स था यहाँ पर त था, तो त का हो गया ट और स का स लिख दिए। उसी तरह जब भी ट या ठ है ना, तो उस त या थ है तो उसको हम लोग ट या ठ लिख देंगे। ठीक, हाँ कब है, जब मूर्धन्य स के बाद आए तब तो। चलिए इसको मिटा लेते हैं। अगला सूत्र है हमारा अस्तो अश्चुना अश्चु, अस्तो अश्चुना अश्चु, अस्तो अश्चुना अश्चु। इसका मतलब क्या है, ये पहला दंत स, अस्तो में क्या है दंत स, तो दंत स लिख दिए। उसके बाद यदि दंत स के बाद अब अगला क्या है, तालाब्य स और चवर्ग, तालाब्य स और चवर्ग, तालाब्य स या चवर्ग। पहले है क्या दंत स, उसके बाद क्या आना चाहिए तालाब्य स आना चाहिए या चवर्ग आना चाहिए। तो क्या हो जाता है, तालाब्य स का सॉरी दंत स का तालाब्य स, दंत स का तालाब्य स हो जाता है, दंत स का क्या हो जाता है तालाब्य स, यदि दंत स के बाद तालाब्य स या चवर्ग आए तो उसका क्या हो जाएगा तालाब्य स, और यदि चवर्ग आए तो उसका हो जाएगा हमारा क्या, यदि दंत स के बाद तालाब्य स या चवर्ग आए तो वह हमारा, तो हमारा दंत स जो है वो तालाब्य स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रामस जोड़ सेते, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है दंत स, यहाँ पर क्या है दंत स और यहाँ पर क्या है तालाब्य स। तो आपको हमने पहले ही बताया कि यदि दंत स के बाद तालाब्य स आए तो दंत स को हम लोग तालाब्य स में परिवर्तित कर देंगे और बाकी वैसे ही लिख देंगे। तो राम और दंत स को क्या करेंगे तालाब्य स में कन्वर्ट कर देंगे, तो तालाब्य स में कन्वर्ट करेंगे तो अर्ध तालाब्य स और सेते का सेते, तो ये बन गया हमारा राम सेते। तो यदि दंत स के बाद अगर तालाब्य स या चवर्ग आता है, अब हम लोग चवर्ग का उदाहरण देख लेते हैं, तो वह तालाब्य स हो जाता है। तो जैसे रामस जोड़ चिनोती, तो इसका देखिए यहां पर है दंत स और यहां पर है क्या च। तो आपको हमने पहले ही बताया कि यदि दंत स के बाद चवर्ग आए तो उसका हम लोग क्या कर देंगे तालाब्य स में दंत स को बदल देंगे, यानी राम का राम और स को क्या कहेंगे तालाब्य स और चिनोती का चिनोती, ये हो जाएगा रामस चिनोती। तो ये हो गया हमारा रामस चिनोती। अब इसका एक और नियम है अस्तो अश्चुना अश्चु का, सेकेंड नियम क्या है कि यदि टवर्ग के बाद चवर्ग है, टवर्ग के बाद चवर्ग है, यदि टवर्ग के बाद अगर चवर्ग आता है तो टवर्ग को हम लोग चवर्ग में परिवर्तित कर देंगे, तो टवर्ग का चवर्ग हो जाएगा, टवर्ग को कन्वर्ट कर देंगे चवर्ग में। यदि टवर्ग के बाद चवर्ग आता है तो हम लोग टवर्ग को किस में कन्वर्ट कर देंगे चवर्ग में। जैसे जैसे उत जोड़ ज्वल, ध्यान दीजिएगा यहां पर उत जोड़ ज्वल, हमने कहा कि यदि तवर्ग के बाद चवर्ग आए तो वह हो जाएगा चवर्ग में, यदि तवर्ग के बाद चवर्ग आए तो वह किस में हो जाएगा, यहां पर है तवर्ग का त और यहां पर है चवर्ग का ज, तो त और ज। तो हम लोग कहा कि तवर्ग के बाद यदि चवर्ग आए तो तवर्ग को चवर्ग में बदल देते हैं, यानी कि आयत को चवर्ग में बदलेंगे, तो चवर्ग में उसी चवर्ग में बोलेंगे जब यह देखेंगे तीसरा वर्ण है तो तीसरा लिखेंगे, और ज्वाला का ज्वाला,
तो इस प्रकार हमारा बन जाता है उज्ज्वल। ठीक, उसी प्रकार हम लोग अन्य उदाहरण ले सकते हैं, उत जोड़ चारणम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर त है और यहाँ पर क्या है च। तो हमने कहा कि यदि तवर्ग के बाद चवर्ग है तो उसको हम भी तवर्ग को चवर्ग में बदल देंगे, यानी कि उ आई त तो के बाद च है तो त को भी च में बदल देंगे और चारणम तो है ही, तो ये बन गया हमारा उच्चारणम। इसी प्रकार हम लोग अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे शरत जोड़ चंद्र, शरत जोड़ चंद्र। यहाँ पर देखिए त के बाद च आया है, त के बाद च आया है, इसका मतलब है कि हम लोग त को चवर्ग में बदल देंगे, यानी कि स र आ त को च में बदलेंगे तो आधा च आई चंद्र का चंद्र, तो हो गया शरत चंद्र, ये बन के हमारा हो गया। तो अस्तु अस्टिना अस्तु क्या है कि यदि दंत स के बाद दंत तालाब्य स या चवर्ग आए तो हम लोग को क्या कर देंगे तालाब्य स में बदल देंगे, और यदि तवर्ग के बाद चवर्ग आए तो हम लोग क्या करेंगे कि तवर्ग को भी चवर्ग में बदल देंगे। पहला नियम इसमें क्या है कि यदि दंत स के बाद स तालाब्य स या चवर्ग आता है तो हम लोग दंत स को तालाब्य स में बदल देंगे। दूसरा नियम है कि यदि तवर्ग के बाद चवर्ग आता है तो तवर्ग को हम लोग क्या करेंगे चवर्ग में बदल देंगे। अब इसको मिटा लेते हैं। अगला नियम हम लोग का सस्छो जो सस्छो अटी, सस्छो अटी। तो सस्छो अटी क्या कहता है, सस्छो अटी कहता है कि यदि त या द के बाद, यदि त या द के बाद हमारा तालाब्य स आए तो उसका अर्ध च और छ हो जाता है। सस्छो अटी हमारा क्या कहता है कि यदि त या द के बाद यदि तालाब्य स आता है तो हमारा अर्ध च और छ हो जाता है। यदि त या द के बाद तालाब्य स आए तो च हलंत और छ हो जाएगा, जैसे तत् जोड़ षटकम, तत् जोड़ षटकम। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है त और यहाँ पर क्या है तालाब्य स। हमने कहा यदि त या द के बाद तालाब से आए तो उसका हम लोग क्या कर देंगे अर्ध च और छ कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अर्ध त और छ। तो यहाँ पर देखिए त और इसका क्या करेंगे अर्ध त और छ, कटम का कटम त छ कटम। तो यहाँ पर क्या किए कि त और स को हम लोग अर्ध च और छ में बदल देने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे सस्चो अटी में सूत्र क्या है सस्चो अटी, और इसमें नियम क्या है कि यदि त तो या द के बाद हमारा तालाब्य स आता है तो उसको हम लोग अर्ध च और छ में बदल देंगे, जैसा यहाँ पर हुआ है तत् जोड़ षटकम, तत् त को हम लोग च में बदल दिए और स को तला छ में। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उत जोड़ श्रृंखला, उत जोड़ श्रृंखला। अब आप लोग कहेंगे यह तो स्र है, तो यह स्र है तो भाई स आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पर हो गया तो और यहाँ पर स्र कैसे बनता है तालाब्य स और र के मिलने से स्र जो है वो कैसे बना है तालाब्य स और र के मिलने से। तो तालाब्य स और र के मिलने से जब बना है तो इसमें तालाब्य स है ना, तो यहाँ पर भी त और स आया तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग चेंजिंग कर देंगे छ में, तो उच्छृंखला, तो ये हो जाएगा हमारा उच्छृंखला। उसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं भवत जोड़ शरण्य, तो इसको हम यहाँ पर है त और यहाँ पर है स, तो यदि त के बाद स आता है तो वही करते हैं कि छ में बदल देते हैं, तो भव आय छ लिख देंगे भवत शरण्य। तो इस प्रकार हमारा व्यंजन संधि के आज हम लोगों ने तीन नियम देखे। पहला नियम था हमारा अष्टो अष्टनाष्टु, दूसरा अस्तो अष्टनाष्टु और तीसरा ए षष्ठो अटी, जिसमें हम लोगों ने देखा
कि यदि त या द के बाद तालाब जैसा आता है तो उसका अर्ध च और छ हो जाता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।